Hi, Tara, how are you? Very well, thank you. क्या कड़क तारा यार, मेरे पापा कहते हैं कि अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा ना, मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा, तारा दिखा दूंगा. अगर ऐसा तारा दिन भर देखना, मैं रोज थप्पड़ खाऊंगा. अब गुड्डू, स्कूल क्यों नहीं गया तू आज? मैंने अभी उस स्कूल में पढ़ना नहीं, मेरा स्कूल से विश्वास टूट गया है. मैं कुच्चू यादव अब कमजोर के स्कूल में पढ़ूंगा. तेरे स्कूल में क्या कमी है? पढ़ाई तो सेम ही होती है ना स्कूल में. सेम नहीं होती कप्पू अंकल, ये मित है. मेरे स्कूल से जो पढ़ के पास होता है ना, वो ऐसे गिटार बजा रहा होता है, वो देखो. हाँ, और इनके स्कूल से जो पढ़ता है ना, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऐसे बच्चे बनते हैं. मैंने उधर ही पढ़ना, चाहे मेरे पास फीस नहीं है, मैं अपने डैडी को गिरवी रख दूंगा. नन्या, मैं तारा के स्कूल में पढ़ू, छोटी सी निक्कर पे बाइक पे मेरी एंट्री हो ऐसे करके. मैं क्लास में जाके तारा की किताबें फाड़ू, अनन्या के बाल खींचू, टाइगर को किक मारू. और उसके बाद चंकी पांडे डंडा लेके आए. जी, क्या लेके आए? चंकी पांडे डंडा लेके आएंगे फिर? पांडे साहब पैसे के बिना कहीं नहीं जाते. अनन्या की टीचर कह रही थी कि प्लीज स्कूल आ जाओ, पेरेंट्स मीटिंग है. कहते 4 लाख लूंगा, पेरेंट्स मीटिंग भी अटेंड करूंगा, चलो प्रेयर भी अटेंड कर लूंगा. कप्पू अंकल, जब कोई हीरो जैसा बच्चा आपके सामने आपकी नाक के नीचे दो कड़क हीरोइनों के साथ डांस करता है, तो कैसी फीलिंग आती है आपको? मेरा दिल करता है तेरी चोटी खींच दूं तेरी. खींच सकते हो यार, आपका चोहा, हम क्या बोले. तुम तो जग्गू दादा के घर पे पनीर देकर आना था, यहाँ क्या कर रहे हो गुड्डू? पनीर देने गया था, लेकिन जग्गू दादा के घर के बाहर ना बहुत ज्यादा भीड़ थी. वो जग्गू दादा का घर है, वहाँ भीड़ नहीं लगती है, वहाँ भीड़ू लगता है. सर, लेकिन सही में सर, आपके पिताजी का जो स्वैग है, आई रियली लाइक इट सर. वैसे टाइगर जी आपके भी बहुत बड़े फैन है, मतलब कमाल है. थैंक यू. इतने बड़े आदमी बन गए लेकिन जरा भी शो ऑफ नहीं करते. अनन्या जी, आप में और हम में एक चीज कॉमन है. What? आप पांडे हैं और हमारे दोस्त प्यार से हमें पांडा कहते हैं. तारा जी, दिल बोले तारारा. हेलो डैडी, तारारा फारारा मैं उनके साथ कर चुका हूँ पहले. आप लेट आए हो, कुछ नवा नवा बोलो. तुम तो आप घर चलो यार, तुम्हें सूतेंगे. सूत सूत के तुम्हें ना सुतारिया तो कहना. यार देखिए यार, गुस्से में भी किस तरह जोक्स का प्रयोग कर लेते हैं हम यार. इनबॉर्न टैलेंट आई टेल यू. चलता है, चलिए अब जो है खेला शुरू करते हैं आप लोगों के साथ. हेलो हेलो हेलो. हाँ, मुझे कल से गैस हो रही है. आ, नहीं मुझे ठीक नहीं करानी, मुझे खाली सिलेंडर चाहिए. मैंने बेचनी है. मैंने गैस का लघु उद्योग शुरू किया है. ठीक है. हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है. तू इधर क्या कर रहा है? हेलो, बहुत मजा आया आपको देख के. टाइगर साहब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. पहले यहाँ पे हाथी वगैरह ही आते थे. टाइगर देख के बड़ा मजा आया. मैं अभी जंगल में फोन करता हूँ. हेलो, हाँ जंगल, हाथी को फोन दो. हाँ हाथी, हाँ भालू को फोन दो. हाँ भालू, आज जिराफ को फोन दो. आज जिराफ, हाँ जेब्रा को फोन दो. नहीं मुझे काम कुछ नहीं, मेरे को मजा आ रहा है. मैं एक्चुअली अर्चना जी वाली फीलिंग ले रहा हूँ कि बिना काम किए मजा कैसे लेते हैं. आता ही उल्टी सीधी बातें शुरू कर दिया आपने. आपको कुछ अकल है कि नहीं है? बहुत ज्यादा अकल है. लोगों को आती नहीं, मेरी जाती नहीं है. लड़कियों, मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी जो ऊपर बत्ती निकली हुई ना टूइंग करके, इसको थोड़ी सी आग लगाओ, अनार बम चलेगा. अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हैं तो आप ऐसे किक विक मारते हैं, आपके पास ऐसा कोई किक है जो इनके सीधा मुंह पे लगे और मुंह बंद हो जाए? प्लीज फॉर मी. ओए गरीबों के सुमो पहलवान, मेरी बात सुनो. टाइगर के पापा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं. अच्छा. दिल्ली में मुझे मिलने आते थे करोल बाग. हाँ. लेकिन उनके आने के बाद ना सारे जेंट्स लेडीज लड़ने लगते थे, उसके बाद नहीं आए वो. ऐसा क्यों? अरे वो जब भी आते थे सारे बच्चों को बोलते थे, आ मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू.
तो जो आदमी थे अपनी बीवी से झगड़ते थे कि तू तो कहती थी मेरा बच्चा ये किसका है, तो मेरे वाला कहाँ है? बड़ो बड़ो मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो बड़ो। और चुप, लव यू। ये एपिसोड के शुरुआत में आप बोले कि मुझे आपका 5 रुपया देना है। आप जो मेरे घर आके 8,000 का वड़ा पाव खा के गए उसका क्या? बड़ा चुप, मेरा बच्चा है तू। वैसे मेरा बच्चा है तू। अंकल मेरा बच्चा है तू। आंटी मेरा बच्चा है तू। मेरा बच्चा है तू। मेरा बच्चा है तू। मेरा बच्चा है तू। हाथी का बच्चा है तू। सबके पापा आ गए, सबके पापा आ गए। मेरा बच्चा है तू। सबके पापा हो तुम। 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 मेरा बच्चा है तू। मैं तब क्या? हेलो, हो हो। क्या पापा बच्चा लगा के रखा है यार, शांत हो जाइए थोड़ा। अबे वो डायनोसर के अंडे। अभी तो हम हाथी का बच्चा थे, डायनासोर कहाँ से आया? बेड़ू अब उठ तो गया, बैठेगा कैसे? बैठ के देखेगा। सही है, सही है। मैं देखेगा बैठेगा कैसे। Come on. Watch it. वैसे टाइगर जी, ये नकली जग्गू दादा हैं, आप किसी को बताइएगा मत। अच्छा। खेला शुरू करने से पहले जग्गू दादा आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। पूछो। आप दादा कैसे बने? मैं पैदा ही दादा हुआ। टाइगर, डिड आई टेल यू अबाउट दिस? नो। मैं छोटा था, मैं लहान होता, छोटा था, मैं इसे पैदा हुआ। तो जैसे पैदा हुआ मैं अर्चू, वहाँ ऐसा गले में बांधा और जो नर्स थी उसको ऐसा कैंची दिखाया। मैं बोला मेरी बच्ची है तू। ओ क्या कि वो ऐसा भागे हॉस्पिटल में, ऐसा बाहर गई, भागी और बोले दादा पैदा हुआ, दादा पैदा हुआ। चल मेरा तो ठीक है, मैं सुपरस्टार हूँ। तू पैदा हुआ था कि उबाला गया था? मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसे हनीमून कपल जब जाता है ना हनीमून पे, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो ये सब होता है फिर। तो सबसे पहला सवाल ये, 50 ग्राम अंकुरित चने के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारा सवाल है, अक्सर देखा गया है कि लोग जब कोई लड़ाई होती है, बातचीत होती है, तू मैं होती है, तो कोई ना कोई इस झगड़े में जरूर कहता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जानना चाहते हैं कि ये सवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा है। वाह, आपका ऑप्शन है ए, क्योंकि सवाल के माँ बाप कभी हनीमून पे गए ही नहीं तो पैदा नहीं हो। ऑप्शन बी, सवाल के माँ बाप के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तीसरा नहीं चाहिए। ऑप्शन सी, सवाल ने कसम खाई है जब तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 नहीं देख लेता वो पैदा नहीं होगा। या फिर ऑप्शन डी, उसके पापा सऊदी में हैं लेकिन माँ यहां पर है, अगर पैदा हो गया तो सवाल पैदा हो जाएगा इसलिए वो पैदा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से सवाल इसलिए नहीं पैदा हो रहा क्योंकि अगर सवाल पैदा हो गया तो जग्गू दादा कहेंगे मेरा बच्चा है तू। जग्गू दादा, कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अबे वो राउंड टेबल आदमी, बकवास बंद कर, मैं बात करेगा। अनन्या, हाउ आर यू? आई एम गुड, सो हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। चंकी, चंकी के लिए जोरदार ताली, आई लव चंकी। चंकी मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है। मैं पूछना था, मेरे को चंकी अभी भी वो कंजूसी करता है क्या? बहुत कंजूस था वो अपने टाइम, थोड़ा कंजूसी करते है। यू नो अर्चू, मेरा हैप्पी बर्थडे था तो चंकी आया बर्थडे पे। मैं चंकी को बोला गिफ्ट, तो कहता है 2 दे दो। अच्छा मेरा एक सवाल है, जैसे छोले और राजमा रात को पानी में भिगो के रखो तो फूल जाते हैं, मछली 24 आवर पानी में रहती है, क्यों नहीं फूलती? बहुत मस्त है,
वो बेचारी सारा दिन पाउट बना के बैठी रहती हूँ करके, उसकी कोई सेल्फी क्यों नहीं लेता? That's so true. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.